कौन है जेपी नड्डा जी? मेरे दोस्त के मामा हुआ। दोस्त के मामा जी, जी। तुम्हारे दोस्त कौन हुए? हम लोग दोस्त हैं। सब दोस्त तुम्हारे कौन हुए? मेरे दोस्त। सब तुम क्या करते हो जी? पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। किस चीज का? टेंथ में। क्या टेंथ में? टेंथ में हो। टेंथ का बच्चा, टेंथ का बच्चा रैली में जाता है आजकल हमारे देश में। 100 रुपया का तेल लिया। अच्छा ये बताओ, तुम सभी लोगों को 100 रुपया का तेल मिला? हाँ, सबको मिला 100 रुपया का तेल। हाँ। वो जो तेल मिला सबको, पानी वाला तेल मिल गया। देखिए होता क्या है हमारे बिहार में, जब अगर आप कहीं भी नेता और मंत्री का रैली में जाते हैं तो आपको 100 रुपया का तेल मिलता है। ये बात है, सत्य है कि नहीं जी? सत्य। अब कोई भी नेता का आप जाइए रैली में अटेंड करने के लिए, अब 100 रुपया का तेल मिलेगा, हो सकता है नाश्ता पार्टी भी मिल जाएगा उसके आवास पर। ये लोग जितना भी बच्चा है, बता सकते हैं, नहीं किया। ये जितना भी बच्चा सब है ये रैली में अटेंड करने जा रहा था। आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये सब 100 रुपया का तेल लिया, उसमें तेल में क्या दे दिया? गड़बड़ी कर दिया, सबका इंजन बैठ गया। अच्छा आप लोग यूथ हैं, हमारे देश का जो पिलर होता है ना आप ही लोग हैं, नए नौजवान हैं आप लोग, आप ही लोग से फिर ये देश चलेगा आगे जा करके। और अगर क्या चलेगा देश में, घोटाला हो रहा साला, पेट्रोल में पानी मिला के दे रहा, बताइए तो हम सब किसको बोले? सरकार बोले, किसको बोले बताइए? ये सबको मादल तो लाइसेंस कैसे दे देता तेरा माइक छोड़ो क्या बोले? हम लोग को 100 रुपये का तेल मतलब कि देने का मतलब कि बोला गया था। कौन बोला था 100 रुपये तेल? हम लोग का जो हम लोग का लाया गया, हम लोग का जो मेंबर है, कार्यकर्ता है, जो मेन हेड है, उनके जेपी नड्डा राज कच्ची बोलते हैं तो 100 रुपये तेल मिला उनके थ्रू आए हुए थे। तो हम लोग को जैसे ही गए मतलब पेट्रोल के लिए, तो पेट्रोल तो ले लिए। तो उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग यहाँ पर मतलब गाड़ी लगाए, सबका आने का वेट कर रहे थे कि साथ में हम लोग निकलेंगे। उसके बाद हुआ क्या कि गाड़ी मतलब कि स्टार्ट होना बंद हो गया। सबका गाड़ी। नमस्कार, मैं पंकज झा और आप देख रहे हैं रेबल न्यूज इंडिया। अभी आप हमारे बैकग्राउंड में देखिए बीजेपी का झंडा दिख रहा है, कुछ गाड़ियाँ भी आपके सामने में दिख सकती है, और नौजवान नया जो जोश है और उमंग है जो हमारे देश का, वो आपके सामने में दिख रही है। और आप देख सकते हैं ये जो 18 साल 20 साल 22 साल के जो लड़के हैं आज कितना जोश में और कितना उत्साहित है, क्योंकि आज हमारे प्रदेश में आज गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं और साथ साथ जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। चलिए ये लोगों से जानते हैं आखिरकार कहाँ जा रहा है, इतने उत्साह के साथ और इतने उत्साहित आज क्यों है? हम लोग रैली निकाल रहे थे, आनंद भोजन था, जेपी नड्डा का रैली था। अच्छा, हम तो दो सौ निकले रैली पे। अच्छा, पंप पे आए 500 गाड़ी में तेल डलवा। अच्छा, और अंडी गए ना का किस पेट्रोल पंप वाला, और मजा का छोड़ो, गाली मत दीजिए। हाँ, गाली देने वाला काम करो, पानी मिला के दे दी, सबका गाड़ी खराब कर दी। मादर चोर 6 लाख की गाड़ी डुकाटी ला इस्ता भाई चोर, जमीन बेच के गाड़ी कर देते हैं। बताओ थोड़ा मजाक से, थोड़ा ऊपर उठ के बताओ, ये जो आप तुम लोग पहने हो आज, ये कमल का छाप वाला, ये जितना भी झंडा और ये गेरुआ वाला, ये क्या है ये बताओ? ये हम लोग रैली अटेंड कर रहे थे। अच्छा, किस चीज का रैली? जेपी नड्डा का। अच्छा, रैली अटेंड नहीं किया। अच्छा, रैली में पानी फिर गया और मेरा गाड़ी में पानी फिर गया। रैली अटेंड क्यों नहीं किया? देख लीजिए आपका गाड़ी खराब हो गया, ये सबका गाड़ी खराब थोड़ी हुआ। अच्छा, देखिए इधर लगे 400 गाड़ी में तेल था। अच्छा, 100 रुपये का तेल डलवाया, पानी वाला तेल कैसे डलवाया? अरे पानी मिला हुआ था तेल, था फ्री में तेल का लिए हो? फ्री में का लेंगे, पानी क्यों फिर मिला दिया? पानी का पता सेटिंग था बहन, क्या कर दिस? सुनिए 100 रुपये का तेल लिया। अच्छा ये बताओ, तुम सभी लोग को 100 रुपये का तेल मिला? हाँ, सबको मिला 100 रुपये का तेल। हाँ। वो जो तेल मिला सबको, पानी वाला तेल मिल गया। देखिए होता क्या है हमारे बिहार में, जब अगर आप कहीं भी नेता और मंत्री का रैली में जाते हैं तो आपको 100 रुपये का तेल मिलता है। ये बात है, सत्य है कि नहीं जी? सत्य। अब कोई भी नेता का आप जाइए रैली में अटेंड करने के लिए, अब 100 रुपये का तेल मिलेगा, हो सकता है नाश्ता पार्टी भी मिल जाएगा उसके आवास पर। ये लोग जितना भी बच्चा है, बता सकते हैं, ये जितना भी बच्चा सब है ये रैली में अटेंड करने जा रहा था। आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं ये सब 100 रुपया का तेल लिया, उसमें तेल में क्या दे दिया? गड़बड़ी कर दिया, सबका इंजन बैठ गया। अच्छा चलिए ये बताओ, तुम कितना बजे निकले हो घर से? घर से हम निकले लगभग 6:30 बजे निकले थे। 6:30 बजे घर से निकले, से खाली वो पानी पे जिंदा। अच्छा, कुछ नहीं खाए हो? कुछ नहीं खाए। अच्छा ये बताओ, जेपी नड्डा जी के जो तुम लोग रैली में निकले हो, करते क्या हो पहले ये बताओ? हम लोग उनको सहयोग करते, ठीक है, उनको सहयोग करते। वो कौन है जेपी नड्डा जी? मेरे दोस्त के मामा हुआ। दोस्त के मामा जी, जी। तुम्हारे दोस्त कौन हुए? हम लोग दोस्त हैं। सब दोस्त तुम्हारे कौन हुए? मेरे दोस्त। सबके मामा जी हुए जेपी नड्डा? भगनैया। अच्छा, भगनैया। तो सबके मामा जी जेपी नड्डा हुए जी। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, उसका स्वागत करने के लिए तुम लोग जा रहे हो? जा रहे हैं। तो नहीं जा रहे, बर्बाद नहीं करते? पढ़ते क्या करते हो तुम लोग?
हम पढ़ते हैं जी। क्या कौन क्लास में पढ़ते हैं? अबरी सीए बन जाना लगले बहन चोदी राम। तुम क्या करते हो जी? पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। किस चीज का? टेंथ में। क्या टेंथ में? टेंथ में हो। टेंथ का बच्चा, टेंथ का बच्चा रैली में जाता है आजकल हमारे देश में। और तुम क्या करते हो? नहीं दोनों चीज पूछ रहे हैं, दोनों चीज पूछ रहे हैं, दोनों बता सकते हो। तुम क्यों जा रहे हो तुम ही बताओ। पढ़ाई करने के लिए? एंजॉय, एंजॉय करने के लिए नहीं, हम लोग तो कुछ और सोच के आए थे। यहाँ कुछ और हो क्या सोच के आए थे? किस चीज का सहयोग? अच्छा, जेपी नड्डा जी क्या है हमारे देश के? हमारे देश के जेपी नड्डा जी क्या है? इसके मामा है हम लोग पे। देख सकते हैं हमारे देश के जो नौजवान है आज किस दिशा में जा रहा है। आज ये लोग जेपी नड्डा जी का स्वागत करने में जा रहा है। कोई कह रहा है उसका मामा है, तो कोई कह रहा है उसका भगना है। बात और भी आप देख सकते हैं, ये लोग जो भी है और भी देखिए, एक सीनियर आदमी हमारे साथ, उनसे चले जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बीजेपी का झंडा लगा हुआ गाड़ी है, यहाँ पर जो भी गाड़ी है सब गाड़ी में ये लोग 100-100 रुपया का तेल डलवाया है आज, और आज तेल डलवा के जा रहा था रैली में। ये बताइए आप बीजेपी का रैली गए थे अटेंड करने के लिए जी, करके आए जी? हम लोग जेपी नड्डा के स्वागत में हम लोग आए हुए थे। अच्छा। और हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप आपका हो गया इंडियन ऑयल यहाँ पर, तो हम लोग को 100-100 रुपये के तेल मतलब कि देने का मतलब कि बोला गया था। कौन बोला था 100 रुपये तेल? हम लोग का लाया गया, हम लोग का जो मेंबर है, कार्यकर्ता है, जो मेन हेड है, उनके जेपी नड्डा राज कच्ची बोलते हैं, 100 रुपये तेल मिला उनके थ्रू आए हुए थे। तो हम लोग को जैसे ही गए मतलब पेट्रोल के लिए, तो पेट्रोल तो ले लिए हैं। तो उसके बाद हुआ क्या कि हम लोग यहाँ पर मतलब गाड़ी लगाए, सबका आने का वेट कर रहे थे कि साथ में हम लोग निकलेंगे। उसके बाद हुआ क्या कि गाड़ी मतलब कि स्टार्ट होना बंद हो गया। सबका गाड़ी दो गाड़ी वहाँ पर सीज हो गया, R15 था तो वहाँ पर गाड़ी सीज हो गया। उसके बाद उनके द्वारा मतलब कि गाड़ी के बनाए मतलब कि पेट्रोल पंप के द्वारा गाड़ी के बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। अच्छा। तो यही सब हुआ है। अब ये बताइए, आप लोग जो जा रहे 100 रुपया में, आपको तेल देने का 100 रुपया का तेल देने का वादा किया गया था, इसके अलावा और भी क्या क्या वादा किया? वादा पे हम लोग थोड़ी मतलब जो क्या क्या कहा गया था आप लोग? 100 रुपया हम लोग के मतलब कि 100 रुपया तेल का बात नहीं है। हम लोग के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह और जेपी नड्डा, तो उनके स्वागत में हम लोग आए हुए थे बस। और कुछ बात ऐसा है आप लोग को मतलब आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 19 साल। 19 साल। ड्राइविंग लाइसेंस है आपका? जी बना हुआ है। बना हुआ 19 साल। आप लोग का बना हुआ जी ड्राइविंग लाइसेंस? हाँ, हम ड्राइव लेकिन नहीं करते भैया, मैं पैर टूट गया। आपका हेलमेट है अभी? हेलमेट तो था लेकिन अभी दोस्त लोग जो है हमारे, नहीं नहीं हम सच्चाई बता रहे हैं। आप ही नहीं जो सिर्फ आपको पकड़ के हम बता रहे हैं। ये हमारी बिहार की वास्तविक स्थिति है। जब रैली होता है तो कोई रूल, कोई रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं होता है, और छोटे छोटे बच्चों को इसी रैली में बुलाया जाता है। अब आप समझिए, हमारे देश में शिक्षा की स्थिति इतनी गड़बड़ है, हमारे राज्य में ये सब गड़बड़ की रीज़न क्या है? यही बच्चे को अपने रैली में बुलाने के लिए और अपने रैली में झंडा लगवाने के कारण ये लोग इतना अशिक्षित करते हैं हमारे प्रदेश के युवाओं को। आप गलत बोल रहे हैं भैया, बताइए क्या बात? आप गलत बोल रहे हैं। झंडा उंडा आपको लगता है क्या? हम ये नहीं कह रहे हैं। आप बताइए, आपको लगता है झंडा लगाने वाला? हम ये नहीं कह रहे झंडा लगाने के लिए, हम ये कह रहे हैं आप लोग आप बोले उसमें रिकॉर्ड होगा। अब हम जो कह रहे हैं आप उसका मीनिंग नहीं समझे, हम ये कह रहे हैं हम समझ गए भैया। अच्छा ये बताइए, आप कौन क्लास में है? ठीक है, आप समझे कौन क्लास? पार्ट टू में। अभी क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। पार्ट टू में पढ़ाई करते हैं। आज आप जा रहे हैं रैली में, आप पूछिए कंफ्यूज मत होइए, पूछिए। आप हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं। आज अगर आप रैली में जा रहे हैं मतलब कौन से ऐसे विचार आपको अच्छा लगा जेपी नड्डा जी का, जो आप जा रहे हैं सपोर्ट करने के लिए? विचार छोड़िए, मान लीजिए मेरा भाई है। आपसे पूछ, जेपी नड्डा जी का आप जा रहे हैं रैली में, जेपी नड्डा जी क्या करते हैं हमारे देश में, क्या करते हैं वो छोड़िए। अब मतलब जेपी नड्डा जी क्या करते हैं, जेपी नड्डा जी क्या है? देखिए पहले आप सुनिए, आप फंस रहे हैं तो आप उल्टा पुल्टा सवाल आपसे पूछ रहे हैं। जेपी नड्डा जी क्या है पहले मेरा सवाल? आप क्यों आप अपने सवाल बताइए, इनसे जो पूछ रहे बताइए। जेपी नड्डा जी क्या है हमारे राज्य के? पहले मेरा सवाल पूछिए ना, आप ब्लॉगर है? आप ब्लॉगर है बोलिए ना। हाँ ब्लॉगर, क्या करती ब्लॉगर का काम है? आपको यही तो समझना चाहिए, आप पार्ट टू में है, ये ब्लॉगर का काम है। अभी क्या करते हैं? हमें ब्लॉगिंग कर रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं? ब्लॉगिंग कर रहे हैं, न्यूज़ की तरफ से हैं। इनको यही बताइए, पार्ट टू में चले गए हैं, ये ब्लॉगिंग इनको समझ रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं जी, न्यूज़ बना रहे हैं, ये कह रहे हैं ब्लॉगिंग कर रहे हैं। कॉमेडी है, इन्हें क्या मीम्स बना दीजिएगा। देखिए मजाक से हट करके बता रहे हैं, आप लोग यूथ हैं,
हमारे देश का जो पिलर होता है ना आप ही लोग हैं, नए नौजवान हैं आप लोग, आप ही लोग से फिर ये देश चलेगा आगे जा करके। और अगर क्या चलेगा देश में, घोटाला हो रहा सलाद पेट्रोल में पानी मिला के दे रहा, बताइए तो हम सब किसको बोले, सरकार बोले किसको बोले, बताइए ये सबको मादल चोस लाइसेंस कैसे दे देता तेरा माई को छोड़ो, क्या बोले हम सब। भैया देखिए हमारे बड़े भैया वहाँ खड़े हैं, उनसे भी जाके दुख पूछे उनका, जान बुझ के आप लोग आए तो वो लोग साइड में चले गए। अब सुबह से बहुत ऐसे प्रेस रिपोर्टर है जो बिना खा लिए आप लोग, अभी तक हम लोग कुछ खाए नहीं, सिर्फ पानी अभी तक पिए, वो लड़का आपको बताया ना, अभी तक सिर्फ पानी ही हम लोग। कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं अभी? दानापुर बीएस कॉलेज, बिंदेश्वर सिंह कॉलेज। अच्छा पढ़ाई हो रही है कॉलेज? हाँ पढ़ाई तो अच्छा, डेली जाते नहीं कॉलेज नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? ऐसे ही नहीं जाते, कॉलेज में भी पढ़ाई कहाँ हो रहा है? ये कभी आवाज उठाए आप इसके लिए? आवाज उठाए ना, आवाज उठता ही है कॉलेज, यही बात होती है, यही मैं बोल रहा था। हमारे प्रदेश के युवाओं को अशिक्षित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसको रैली में ले जाना है, समझ गए? यही बात मैंने बता रहा था, आपको लग गया खराब, खराब आपको लगा, मैं उसका रीज़न यही दे रहा था। जो अगर हमारे देश में शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है, सुदृढ़ नहीं, अगर आप आज कॉलेज के बच्चे हैं, आज कौन सा दिन है? सैटरडे है, आज आपको कॉलेज जाना चाहिए था कि आज आपको रैली में जाना चाहिए था, ये बताइए तो। कॉलेज आज मैं बंद है। बताइए कॉलेज बंद है, क्यों बंद है? नहीं पता, आप कॉलेज में बैठाइए, कॉलेज आपका बंद है आपको ये भी नहीं पता? आप कॉलेज में जाके पता करिए, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यही मैं उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा था। आज हमारे देश में जो शिक्षा की स्थिति है इतनी खराब क्यों है? क्योंकि हमारे देश के युवाओं को इसी तरह रैली में ले जाना है, उन लोगों को, उन बड़े बड़े जो सत्ताधीश हैं और जो राजनीति करना चाहते हैं उन लोगों के द्वारा। बाकी अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम पंकज झा और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।